कि नाचे है बलमुआ पवन सिल्क के स्टाइल में, दो लाइन गुनगुना सकते हैं। अरे वीडियो बनाई बो हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में। अरे नाचे है बलमुआ आए हाय हाय। हर हर गंगे का टीजर आया है, देखे हैं कि नहीं? मैं देखा हूँ टीजर, बहुत ही बढ़िया टीजर, मुझे लगा आगे बढ़ाने वाला काम भोजपुरी में हमारे पवन भैया किए हैं, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो इतना अच्छा अच्छा हम लोग टीजर देखते हैं तो इसे कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को। कि नाचे है बलमुआ पवन सिल्क के स्टाइल में, दो लाइन गुनगुना सकते हैं। बस ये आप तो कंट्रोवर्सी वाला हमेशा बात करते हैं, झूठो गाली का हल्ला सुनवाना चाहते हैं। नहीं, अगर हमारा रिक्वेस्ट है तो नहीं गुनगुना दीजिएगा। पवन भैया के भी तो फैंस आपको देख ही रहेंगे, उनके फैंस भी आपके गाने सुनते हैं। अरे वीडियो बनाई बो हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में। अरे नाचे है बलमुआ आए हाय हाय। भैया आज का गाना देख करके ऐसा लगता है कि भोजपुरी में आपने एक नया लकीर खींच दिया। अब इसी लकीर पे भोजपुरी के अन्य सारे सुपरस्टार रहेंगे और देखिएगा इस चीज का कॉपी होगा। बड़े बड़े सुपरस्टार चाहेंगे कि चार चार पांच मॉडल को लेकर के काम करें। देखिए इस बात को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बातें हो जाएंगी। कि लालू जैसन नेता कवनो भारी ना होई, कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई। भैया इस गाने ने भी भोजपुरी में एक नया लकीर खींच दिया, वन डे एक मिलियन और भी जीरो सब्सक्राइबर का चैनल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर मोनू अलवेला जी हैं। मोनू अलवेला जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते प्रणाम। जो भी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं और हमारे पूरे भोजपुरी टीम को देख रहे हैं, सबको दिल से लव यू प्रणाम, हर हर महादेव। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्कार प्रणाम। मैं एक्ट्रेस आज शूट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आज जो मोनू अलवेला जी का गाना शूट हुआ है उसके अंदर 5 एक्ट्रेस एक साथ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों भोजपुरी में अभी तक जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो मोनू अलवेला जी ने कर दिया। भैया आज जो गाना शूट किया उसमें 5-5 एक्ट्रेस को दिखा रहे हैं। हाँ, ये पहली बार हमारे भाई का सोच था, अनुराग शर्मा जी का, और ये हम लोग आज का गाना ग्लोबल म्यूज़िक के लिए शूट किए हैं। तो भाई का सलाह था कि भैया कुछ अलग करते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो, तो हमने ही बोला कि ठीक है करते हैं, और क्या अलग। तो फिर हम लोग भोजपुरी के जितने भी हमारी सुपरस्टार मॉडल हैं हम लोग उनको लेकर के ये गाना बनाए हैं, दो गाना शूट किए हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना जो बड़ा ही मज़ा आएगा एकदम, जिसके हमारे गीतकार इधर रमन बिहारी जी हैं, नमस्ते सभी, और एक गाना हमारे शुभदयाल सोहरा जी बड़े भाई का लिखा हुआ गाना है, बहुत ही प्यारा सा, मजा आया एकदम। और इन पांचों एक्ट्रेस में अगर सबसे बवाल अगर परफॉर्मेंस किसी का कहें तो मनु द ग्रेट का लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबने। मनु जी का तो खैर अंदाज और बात अलग है, सब अपने अपने जगह पे बढ़िया है, लेकिन अब इसमें देखना है कि अब एल्बम आने के बाद किनको कितना लाइक। हम लोग तो बस बनाने की कोशिश करते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो तो हमारी पब्लिक भगवान जैसे जनता है, बाकी बात बन्नू जी का तो जोड़ नहीं है। भैया आज का गाना देख करके ऐसा लगता है कि भोजपुरी में आपने एक नया लकीर खींच दिया, अब इसी लकीर पे भोजपुरी के अन्य सारे सुपरस्टार रहेंगे और देखिएगा इस चीज़ का कॉपी होगा। बड़े बड़े सुपरस्टार चाहेंगे कि चार चार पाँच मॉडल को लेकर के काम करें। देखिए इस बात को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बातें हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो भी आदरणीय बड़े भैया सुपरस्टार हैं, छोटे भाई जो भी हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ अच्छा करने का कोशिश किए हैं और हमेशा से करते रहेंगे। क्या लगता है जो बात मैं कहा हूँ इसमें कुछ सही है? बिल्कुल ये तो सत्य है, क्योंकि जो नया करते हैं उनका सबका अपना अपना एक स्वाभिमान होता है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने अभी बोला कि इन्होंने एक लकीर खींची है, तो वाकई अगर इसको लोग कॉपी करते हैं तो कहा जाएगा ना कि मोनू अलवेला जी की जिन्होंने लकीर खींची है जिस अकॉर्डिंग उसको कॉपी किया जाए। मोनू अलवेला जी गर्व से सीना चौड़ा करके स्टेज पे कह देंगे कि जो लकीर खींच दिया हूँ उसी पे रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ना कभी बोलूंगा ना कभी बोलने का। ये जो गाना है ये गाना हमारे ऑडियंस को कब तक दिखा रहे हैं? ये एक हफ्ता के अंदर गाना, 2 से 3 दिन 4 दिन कोशिश करेंगे जितना जल्दी ये गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज होगा, और काफ़ी प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। मैं विशेष थैंक्स देना चाहता हूँ अनिल सर, अजीत सर और हमारे आदरणीय बड़े भैया राजकुमार सर को। भैया अभी हमारे साथ मारुति हिट के जो मालिक हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि अपने चैनल से मोनू अलवेला जी का कौन कौन सा गाना ऑडियंस के लिए लेकर के आ रहे हैं? और अभी 2 गाना इनका आने वाला है, बहुत धमाल धमाल। पहले तो आप लोग को बता दूं कि ये जो गाना है ये बहुत बड़ा धमाल करने वाला है, और सही में जो बोले ना लकीर खींचा गया है, ये लकीर खींचा गया है 5 मॉडल के साथ, और ये मोनू अलवेला जी ने बड़ा बड़ा लकीर खींचने वाले हैं। भैया अभी हाल ही में जो हम लोग इंटरव्यू किए थे उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि मोनू अलवेला जी खेसारी भैया के लिए गाना गाते हैं, तो हमने इंटरव्यू में गलती से कह दिया कि हम 2 लाख नहीं 3 लाख दे रहे हैं, आप पवन भैया के लिए गाना गाइए। उसके लिए कमेंट में लोग कह रहे हैं कि हम 3 लाख देंगे, मोनू भैया एक गाना गाइए। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हम लोग जितने भी इंटरटेन के लिए करते हैं, और मैं जिस पथ पे चल रहा हूँ कंटिन्यू चलता रहूँगा,
और जहाँ से मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है हमेशा वहाँ से मिलता रहेगा। एक छोटे भाई की तरह उनके नज़र में हमेशा से बना हूँ और पब्लिक मेरे लिए भगवान है, उनके लिए मैं छोटा भाई बना हूँ और जो मुझे पब्लिक चाहती है, जो मुझसे चाहती है, मैं वो हमेशा से करूँगा। भैया ऑडियंस का बहुत ज़्यादा ये डिमांड आ रहा है कि मोनू अलवेला जी एक ऐसा गाना करे या एक फिल्म कर दें जिसमें मार धार एक्शन करते हुए नजर, क्योंकि आपको देख करके भोजपुरी वाला फील नहीं आता है, आप साउथ वाले हीरो लगते हैं। देखिए एक्चुअली पता है कि बड़ा हम सीधे साधे इंसान है, जीवन नेचुरल लाइफ में आज तक हमने बचपन से किसी से लड़ाई नहीं किया, ना किसी से मेरा बगझक हुआ, ना तूतू मैं, अगर जहाँ तक बात आती है अगर उस टाइप का माहौल भी बनता है तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वाभिमान जो होता है कि अपने शरीर अपने विचार से बहुत मोहब्बत है और अपना व्यवहार हमेशा से बना के रखता हूँ, और साउथ की बात है तो हमेशा से अपने लुक को मैं मेंटेन करके रखता हूँ बन्नू जी की तरह। क्या लगता है मोनू अलवेला जी साउथ वाले हीरो लगते हैं कि नहीं? मुझे साउथ वाले कम, मुझे पंजाबी हीरो ज्यादा लगते हैं। इनको एक फिल्म करना चाहिए कि नहीं, मारधार एक्शन से? बिल्कुल करना चाहिए और छोटा मोटा रोल मुझे भी मिलना चाहिए। अरे एकदम, हम पता है मारधार से ज्यादा लव स्टोरी मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि वैसा फिल्म हो जिसमें थोड़ा पारिवारिक भी हो, लव स्टोरी हो, थोड़ा बहुत मारपीट भी हो। यानी कि मोनू अलवेला जी रोमांस करना चाहते हैं? एकदम करना चाहते हैं, जिंदगी मिला है एक बार और इस जीवन में रोमांस ना हो तो फिर जीवन जीने का मतलब ही बेकार है। अब अच्छा, अभी हाल ही में जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं ऑडियंस को और कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं? अभी कंटिन्यू हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं काफ़ी, अभी गाना मेरा बहुत ही बढ़िया अभी रियांक म्यूजिक से रिलीज भी हुआ था, कि लालू जैसन ने ता कवनो भारी ना होई कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई। भैया इस गाने ने भी भोजपुरी में एक नया लकीर खींच दिया, वन डे 1 मिलियन, और वो भी 0 सब्सक्राइबर का चैनल, नया नया खुला था चैनल, और वैसे भी मैं नए चैनलों के लिए बड़ा लकी हुई, मैं नहीं, ये चैनल बताती है, बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्यार आशीर्वाद, जैसे मैं वंडर वर्ल्ड से मेरा भी गाना था नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में, वो भी 2 लाइन हो जाए। और ये वीडियो बनाई बो हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में, अरे नाचे बलमुआ आए हाय हाय, अरे नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में, अरे नाचे बलमुआ बनो के स्टाइल में। अच्छा भैया इस गाने पे अगर चाहेंगे, हमारा पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, इस पे चाहेंगे कि ऐसा मोनू अलवेला जी इसको गा दीजिए कि नाचे बलमुआ पवन सिल्क के स्टाइल में, 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? बस ये आप तो कंट्रोवर्सी वाला हमेशा बात करते हैं, झूठो गाली का हला सुनवाना चाहते हैं। नहीं, अगर हमारा रिक्वेस्ट है तो नहीं गुनगुना दीजिएगा, पवन भैया के भी तो फैंस आपको देख ही रहेंगे, उनके फैंस भी आपके गाने सुनते हैं। फैंस देखिए, जनता मने भगवान मेरे लिए, सब मेरे लिए भगवान है, और जहाँ तक जैसे मुझे दाल भात रोटी, एक मेरा गाना है था बड़ा हिट हुआ था, दाल भात रोटी बनावे नावे खाली आवे ला बनावे हमारा रील हो, जैसे इस गाने को भी प्यार आशीर्वाद दे रहे, खेसारी भैया वाले को प्यार आशीर्वाद दे रहे, तो जिस पथ पे चल रहे उस पथ पे चलने दीजिए, आप बहुत छेड़छाड़ करते हैं। भैया चलते चलते अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रात का लगभग 3:30 बज रहा है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट है लास्ट टाइम? कहना चाहेंगे कि जितना हम लोग रात भर जग के मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप लोग भोजपुरी के बड़े स्टार जो भी हमारे हैं, जैसे उन लोग को आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी एक लेबल, हम लोग का ही बहुत ज़्यादा फिल्म आए आने वाले कल में, मूवी आए और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिले, तो सबसे यही कामना करना चाहते हैं कि जो मेरा गाना भी रिलीज होने वाला है, जो इतने रात तक हम लोग जग के किए हैं, उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। भैया अभी हर हर गंगे का टीजर आया है, देखे हैं कि नहीं? मैं देखा हूँ टीजर, बहुत ही बढ़िया टीजर मुझे लगा, ये भी भोजपुरी का एक मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला काम भोजपुरी में हमारे फोन भैया किए हैं, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो इतना अच्छा अच्छा हम लोग टीजर देखते हैं तो इससे कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जूनियर हैं तो कुछ उन लोग के जो सीनियर हैं देख करके ही हम लोग कुछ बनने का कोशिश करेंगे। उसके पहले भी संघर्ष 2 खेसारी भैया का आया था तो भी बहुत मनमोहक था, बहुत ही बढ़िया था, तो इस सबसे हम लोग को कुछ सीखने को मौका मिलता है और चाहते आने वाले कल में हम लोग भी इसी तरह का काम करें। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे उस टीजर को लेकर के? हर हर बहुत ही अच्छा टीज़र था, बहुत ही पारिवारिक टीज़र था, और ऐसे ही फिल्में आनी चाहिए, और बस इतना ही बोलूँगी कि जैसे आप लोग हमेशा प्यार आशीर्वाद देते हैं, वैसे हमेशा आशीर्वाद देते रहिए। चलिए आप सब ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से लव यू, प्रणाम। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मोनू अलवेला जी एकदम दल बल के साथ निकल रहे हैं, देखिए बंदूक पे बंदूक नजर आ रहा है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।